आकिब जी बताइए क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? सरकार का तो ऐसा कहना है ये कानून नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। अप्रैल 11, 2019 को अमित शाह जी ने स्वयं बोला था कि ये जो नागरिकता विधेयक अधिनियम आया है इसके बाद पूर्ण राष्ट्र में ये NRC लागू करेंगे। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इनका ये जो एक्ट है, अधिनियम है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी इनका इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं खुद एक लॉयर हूँ दिल्ली हाई कोर्ट का, मैं खुद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा हूँ 3 साल कॉलेज में, और ये बिल्कुल आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन है। आप धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दे सकते। सिर्फ एक राष्ट्र है पूरी दुनिया में, इसराइल, जो राष्ट्र को धर्म के आधार पर देता है। तो हमारा देश किस रास्ते पर जा रहा है आप अब समझ गए होंगे, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। क्या लगता है सर, ऐसे दौर में जब पूरे देश में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और गृह मंत्री जी अमित शाह का बयान आता है कि वो जो है इस फैसले पर वापस होने का कोई मतलब ही नहीं है, उनसे तो मुझे पर्सनली ऐसी कोई उम्मीद थी भी नहीं कि वो वापस ले लेंगे, क्योंकि इनका एक जो दृष्टिकोण बनाया है कि बड़ी निर्णायक सरकार है, तो ये वापस तो मैं नहीं उम्मीद करता हूँ। लेकिन इनको पता चलना चाहिए, और जो रीजनल पार्टीज़ हैं, अभी आप देखें नवीन पटनायक ने बोल दिया BJD नहीं NRC लागू करेगी, तो इन प्रोटेस्ट से ये पता चलेगा कि हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा करना चाह रहे हैं धर्म के आधार पे, ये गलत है। और ये वापस भले नहीं लेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं हम, उससे इनको एक मैसेज पहुँच जाएगा, क्योंकि ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है संविधान के खिलाफ। इस एक्ट से हिंदुस्तान के संविधान को आप कहीं ना कहीं तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। जो यहाँ की साझी संस्कृति है, साझी विरासत है, उसे आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आप 2014 में जो बड़े बड़े वादे करके आए थे, उनमें से एक भी वादा ये लोग निभा नहीं पाए, उसे पूरा नहीं कर पाए हैं। न ये अच्छे दिन ला पाए हैं, न ये हर साल 1 करोड़ लोगों को रोज़गार दे पाए हैं। तो इन्होंने उन वादों, आम जनता इनसे वो बातें पूछें तो उससे बचने के लिए ये कभी नोटबंदी करके लोगों को लाइन में लगा देते हैं, कभी अब NRC लागू करके, CAA लागू करके लोगों को लाइन में लगाने का काम कर दिया है। सरकार का ऐसा कहना है कि इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। बिल्कुल अच्छी बात है, अगर सरकार ये कह रही है तो अब सरकार हमें ये बता दे कि इन्होंने जब आसाम में NRC लागू किया, 19.5 लाख लोगों NRC लिस्ट में नहीं थे, जिनमें से 13.5 लाख हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी उनका मतलब गैर मुस्लिम थे। तो उसके बाद क्यों, क्या हुआ, उसके बाद ही इन्हें CAB लाने की ज़रूरत पड़ी। अब CAB में इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को छोड़ के बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं हम उन सबको नागरिकता दे देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। अगर सरकार ये कह रही है कि इस कानून से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम नागरिकता नहीं छीन रहे, तो सरकार ये बता दे कि हिंदुस्तान के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, जो फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, क्या उनका परिवार भारत का नागरिक नहीं है? एक शख्स मोहम्मद सनाउल्लाह, जिसने 30 साल अपनी ज़िंदगी के आर्मी को दिए, जो कारगिल की जंग में भी शामिल रहा, क्या वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? क्यों लाइन में लग रहा है? तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है, इसकी मंशा कुछ और है। ये हिंदुस्तान को मजहब के नाम पर बांट रहे हैं, ये और एक पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें और जिन्ना में कोई फ़र्क नहीं है। सर एक सवाल और है मेरा कि ऐसे दौर में पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है CAA का, और कल होम मिनिस्टर जी ने हमारे देश के एक टेलीविजन डिबेट में वो बैठ कर कह रहे थे कि इस कानून पर जो है वापस होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कैसे ये मुमकिन होगा? ठीक है, वो अपनी बात रख रहे हैं, हिंदुस्तान की आवाम अपनी बात रख रही है, देख लेंगे 2024 भी आएगा, हिंदुस्तान की आवाम बात बता देगी कि तानाशाही किसकी चलती है, हिटलर की नहीं चली, मुसोलिनी की नहीं चली, तो बाकी को तो छोड़ दीजिए आप, जल्दी वो टाइम आ जाएगा, हिंदुस्तान की आवाम जवाब दे देगी उनकी इस बात का। क्या लगता है सर, देश में एक अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं? बिल्कुल अघोषित इमरजेंसी है, अरे हिंदुस्तान का नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, लोग पैसे पैसे को तरस रहे हैं, रोटी चटनी के लिए बुरी हालत है लोगों की, प्याज के रेट आसमान पर चले गए, और आप जो बेसिक मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप इन्हें छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में लगे हुए हैं।
कैसे होगा? अब आप स्कूल कॉलेज की कोई फीस बढ़ा रहे हैं, अभी आपने देखा JNU की फीस बढ़ाने पे इतना मुद्दा चला, आपके पास पैसा नहीं है यूनिवर्सिटीज को देने के लिए, लेकिन आप 50,000 करोड़ रुपए इस NRC को लागू करने के लिए आपके पास है, ये कहाँ से आ रहा है 50,000 करोड़ रुपया? ये जो हिंदुस्तान का जो टैक्स पेयर है, जो यहाँ का नागरिक टैक्स पेयर है, उसी का पैसा है ना, उसी की गाड़ी कमाई है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी शिक्षा के लिए काम आनी चाहिए थी, आप उसे बेवजह के कामों में लगा रहे हैं।